पूछ रहे हैं भाई उनके गोत्र गुत्र वगैरह जो हम पूछ रहे हैं और उसके बाद कुछ कर रहे हैं। तो चलो भाई चलते हैं फिर अंदर का दिखाते हैं आपको। लेट्स गो इनसाइड द टेंपल। एक्चुअली यार हुआ क्या कि मैं यहाँ पर आया और मैंने कैप नहीं लगाई थी पहले जब मैं दीदी से मिला था यहाँ पर, और अब जब मैं कैप लगा के दूसरे दिन ऊपर से जो है वो रूम से नीचे आया रिसेप्शन पे, तो इन्होंने बोला कि नेपाली टोपी लगाई है तो आप नेपाली हो क्या। तो एक्चुअली इनको हिंदी नहीं आता। हिंदी आता है आपको? हिंदी चुप चुप लिटिल बिट। हाँ हिंदी इनको एक्चुअली समझ में नहीं आता है और बोलते भी नहीं है, और एक्चुअली मैं तो डोगरी में बना रहा था और डोगरी तो बिल्कुल नहीं आएगी इनको। हिंदी हिंदी आ रही है। हिंदी नो आम माय लैंग्वेज पंजाबी। थोड़ा क्या हाल है? नो तो इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मतलब अगर मैं अपनी डोगरी में बोलूंगा ना कि मिकी पशुपति नाथ मंदिर जाना है दे रास्ता सुनायो, इन्हें की वो भी पता नहीं होना। तो भाइयों मैं बाहर की खूबसूरती में इतना मगन हो गया था कि मैं बात वीडियो तो चालू कर दिया लेकिन बात करना ही भूल गया था मैं इस समय। इतना ही बता दो कि भाई मुझे टोपी जो है वो कैसी लग रही है जी नेपाली। सलमान शाहरुख खान और ये तीनों खान जो है वो यहाँ पर फेमस है ना। मेडोर के ऊपर आया, पहले मैं जो है वो गाड़ी के ऊपर आने वाला था और गाड़ी को मतलब जैसे रैपिडो जहाँ फिर ओला होता है ना तो उसके ऊपर आने वाला था, लेकिन फिर मैं उसके ऊपर नहीं आया क्योंकि उसका किराया जो है वो मेरे को किसी ने बताया कि उसका जो है वो ज़्यादा किराया होगा, और फिर मैंने सोचा कि चलो कोई और अल्टरनेट जो है वो उसको देखते हैं उसके ऊपर चलते हैं। तो फिर मुझे एक भाई ने बताया, छोटा जो लड़का दिखा ना पीछे, तो उसके साथ बातचीत हुई, उसने मुझे बोला कि बाहर जाओ वहाँ से गौशाला के लिए आपको जो है वो गाड़ी मिल जाएगा तो आप जो है वो गौशाला तक जो है वो उसके ऊपर चले जाओ। तो मैंने बोला उसका किराया कितना, तो उसने बोला 25 रुपये लगेगा। फिर उसके बाद मैं गाड़ी के ऊपर बैठ गया और हालांकि गाड़ी वाले ने 25 नहीं, उसने उसका डबल जो है वो उसको चार्ज किया, उसने बोला कि किराया जो है वो बढ़ गया। चलो कोई बात नहीं भाई, 50 रुपये में मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन से जो है वो यहाँ पर आ गया। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो अभी यहाँ पर लोग जो है वो, अब मेन जो गेट है ना वहाँ से मैं एंट्री कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बताया था कि यहाँ पर जो है वो मतलब बहुत सारे इंडिया से लोग आते हैं, और हालांकि भाई मैं मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा वाला इंडिया का होगा कौन सा वाला जो है वो नेपाल का होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी चीज़ें जो है वो लोग बेच रहे हैं। यहाँ पर कोई आइसक्रीम कोई कुछ कुछ जो है वो बेच रहा है, और यहाँ से होगी जी एंट्री पशुपतिनाथ मंदिर जो है ना तो उसकी। एक्चुअली मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो क्या है। सबसे पहले ऐसे माना जाता है कि एक बार जब जो श्री जो हमारे क्या बोलते हैं उनको जो शिव जी थे, तो शिव जी ने जब बैल का रूप जो है वो धारण किया था, और क्यों किया था उन्होंने बैल का रूप धारण, एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जो पांडव थे तो वो मतलब उनकी खोज में निकल गए थे, शिव जी से कुछ जो है उनको मतलब रिजल्ट चाहिए होगा, तो शिव जी ने बोला कि यार आप लोगों ने अगर इतने जो है वो कांड किए हैं इतने गलत काम किए हैं तो आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो शिव जी ने अपने आप को छुपाने के लिए जो है वो उन्होंने जो है वो कर लिया था, अपने आप को जो है वो बैल में जो है वो कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद जब वो बैल जो है वो उसकी जब मतलब मरा था तो उसके जो अलग अलग जैसे कुछ मुंह हो गया कुछ सींग हो गए कुछ टांगे होंगी तो वो ऐसे माना जाता है कि वो अलग अलग जगह पे जो है वो गिरी थी, और यहाँ पर ये जो पशुपतिनाथ मंदिर है ना यहाँ पर उनका जो है वो मुंह जो सिर जो है ना तो वो गिरा था ऐसे माना जाता है जी। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3.2 किलोमीटर दूर है। ये देवपातन गाँव में बागमती नदी के किनारे पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान इस मंदिर के दर्शन करता है उसको किसी भी जन्म में पशु जीवनी प्राप्त नहीं होती, लेकिन शर्त ये है कि मंदिर के बाहर नंदी के दर्शन करने से पहले उसको अंदर जाकर शिवलिंग के दर्शन करने हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पहले जमाने से ही केवल इसी नदी का पानी अंदर ले जाने का प्रावधान है,
किसी अन्य स्थान का जल अंदर आप नहीं ले जा सकते। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पशुपतिनाथ के अंदर का ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि ये पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। इस मंदिर के अंदर जाकर मूर्ति तक पहुंचने के लिए चार दरवाजे हैं और चारों चांदी के बने हुए हैं। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा का कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ के मंदिर को कुछ मायने में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपतिनाथ दरअसल चार चेहरों वाला लिंग है। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के चार बुनियादी सिद्धांत हैं। माना जाता है कि ये लिंग वेद लिखने से पहले ही स्थापित हो गया था। लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रबद्ध भी कहते हैं। उनको अपनी करनी का पश्चाताप था और वो खुद को बहुत अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को उस दोष से मुक्त कराने के लिए वे भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो कांड उन्होंने किया है उनसे उनको उतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वह उनका पीछा करने उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागदौड़ी के दौरान शिव जमीन में लिप्त हो गए और जब पून उपद्रित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी से इस मंदिर को तमाम मंदिरों में खास माना जाता है। तो ये थी दोस्तों इस मंदिर के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो कि आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी थे। उम्मीद करता हूं कि ये तथ्य आपको जो है वो काम आएंगे और बहुत सारी जानकारी जो है वो आपको जहां से जो है वो मिली होगी। दोस्तों, ये थी पशुपतिनाथ जी के टेंपल की यात्रा, जिसमें मैंने कोशिश की आपको अच्छी अच्छी जानकारी जो है वो देने की रिलेटेड टू इस मंदिर के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने भाई बहन, भैया भाभी, दोस्त सबके साथ शेयर कर दो, ताकि सबको पता चले कि ये जो पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है उसके रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है तो सारी की सारी उन तक भी पहुँच जाए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर।